हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, आज हमें शूट पे निकलना है जल्दी से, तो ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, पनीर पराठा, 4 सॉस, चाय देने गया भाई, और जल्दी दिखा के भागते हैं। माऊ से यात्रा करते करते हम आ चुके हैं गाजीपुर। गाजीपुर में ये मरदहा ब्लॉक है जहाँ पर हम आए। मेन्स है ना, एकदम बिल्कुल टिपिकल बिहार लग रहा है, वेलकम टू बिहार टाइप वाली फीलिंग। मिर्ज़ापुर में नहीं थी, सेम वैसे ही। अब ये जो कार्यक्रम है, ये वीडियो वैन का कार्यक्रम है, और उसमें वीडियो वैन पर टीवी एक रहता है, उस पर मैसेजिंग होती है, वीडियो दिखाते हैं, और उसके बाद ये नाटक करते हैं, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। तो बेहतरीन प्रोग्राम होता है। अभी इसको शूट कर रहे हैं हम व्लॉग में। और तेज सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जगह जगह लिखा हुआ है हमारी गाड़ी पर क्लिनिक प्लस। ये कार्यक्रम क्लिनिक प्लस के तत्वाधान में ब्रेक थ्रू और ग्रामीण विकास संस्थान के सौजन्य से आज आपके गांव में आयोजित किया जा रहा है। कैमरा हम लोग और इस कार्यक्रम में जूम है। ये हमारा लोकल स्पाइडर मैन है, ये जामुन तोड़ रहा है भाई, देख के। ये हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हुए भाई। जी, आप क्या क्या बता रहे थे, आपने बचपन में क्या क्या किया? गांव की अगर बात करें तो मेरा जो मूल निवास है वो गांव ही है, टिपिकल टाइप का गांव है। वहाँ पे कनेक्टिविटी के लेके बहुत इशू था। पहले लोग जो है एक निर्धारित स्थान तक आने के बाद गांव में, एक हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ आवाज़ देते थे लोग, नाव से लेके जाते थे, नाला था तो कपड़े लोग निकाल के साइकिल टांग के ऐसे लेके जाते थे। तो गाँव के जो बच्चे मैं आज देखता हूँ ना, जो टायर चलाना, गांव के पास पकिल्लो खेलना, पेड़ से लटक के डंडा पकड़ो फेंकने वाला ये, और जामुन तोड़ने जाना, आम अमिया तोड़ने जाना, तो ये टिपिकल लुप्त हो गई है, ये सब कलाएं ये खत्म होती जा रही है। लोग बच्चों को जमीन में खेलने, मैं खुद अपनी बात बताऊं, शहर में बच्चा जरा सा मिट्टी लगा लेता था, क्या कर रहे हो इसको उठाओ, वहाँ मस्त खेला करते, तभी हसपुश बनते थे लोग। अब आज पूरी कंडीशन बदल गई है, तो अब गाँव में आके ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपना बचपन याद आ रहा है, वो डाट पट्टी पे बैठ के पढ़ाई करना। अब तो सब हायर एजुकेशन में सब सिस्टम बदलता चला जा रहा है, तो ये सब सारी चीजें हैं। थक हार के हम अपने रूम पहुंच चुके हैं, और अभी मुझे लगता है आराम करने की ज़रूरत है, तो बस थोड़ी देर आराम करेंगे, सोएंगे, उसके बाद शाम को निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो ये फैज़ान है, फैज़ान हमारे बीबीडी के पुराने साथी हैं, और ये यहीं मऊ में रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, फैज़ान हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, तकरीबन 4 साल नहीं और ज़्यादा हो गए, 2014 में लास्ट मुलाकात। नहीं यार, वहाँ मिले, घर के पास मिले थे, एक बार मिले, हाँ एक बार मुलाकात हुई है। तो फैजान हमको लेकर के आए अलबेक, अभी देखते हैं क्या सूतने को मिलता है आज। चिकन देसी टिक्का, सलाद और कुछ भी आ रहा है, क्या बात है, इंतज़ार कर लेते हैं। ये अलबेक है, और यहीं पे हमने खाना खाया था, और अरेबियन कुजीन था,
कभी मौका मिले जरूर। ये जगह कौन सी है फैजान भाई? निजादीपुरा है, तो कभी आए तो यहाँ पे जरूर खाएं। फिलहाल खाना न खा के रूम में आ गए हैं, और जो रूम में आए तो चॉकलेट और मिठाई मिली, ये भी मऊ में ही हमें मिली है। थैंक यू लविशा, थैंक यू सो मच। मैं मतलब मिलने आई और मैं मिल नहीं पाया, इनफैक्ट तुमने ये सब यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था रिसेप्शन पे, तो थैंक यू सो मच। तो अभी निकलते हैं, आज हम मऊ से आखिरी दिन है हमारा, मतलब आखिरी रात है, कल सुबह हम गाज़ीपुर निकलेंगे और गाज़ीपुर से लखनऊ के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना बहुत ख्याल रखें, एकदम मस्त रहें, मास्क लगा के रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, कल के नए ब्लॉग में मिलते हैं।